दोस्तों ट्राई ने एक कानून बनाया था डीएनडी डू नॉट डिस्टर्ब, जो जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल सभी दोस्तों फॉलो करते हैं। अगर आपको डीएनडी एक्टिवेट करना है यहाँ पे तो आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई कॉल नहीं आया, कमर्शियल कॉल मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं आता। लेकिन क्या लगता है आपको ये एक्टिवेट हुआ, क्या ये 100% काम करता है, कारगर है? नहीं, 100% कारगर नहीं है, 2-5-10% कारगर दोस्तों। इसका मतलब धड़ल्ले से मिसयूज यहाँ पे हो रहा है। मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मैं वोडाफोन आइडिया यूज करता हूँ, जियो दोस्तों यहाँ पे यूज करता हूँ, मुझे दिन में 500 कॉल आते हैं, 50 तो नहीं लेकिन 10-15-20 कॉल तो आई जाते हैं यहाँ पे, सर लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, ढिकना ले लो, और मैसेज पे मैसेज आते रहते हैं। मतलब कैसे पॉसिबल है ये कि डीएनडी एक्टिवेट कर रखा आपने 100%, उसके बाद भी कॉल आता है? और ये मेरे साथ नहीं दोस्तों, हजारों लोगों के साथ ऐसा होता है। फिलहाल दोस्तों इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे ट्राई के ऊपर फ्लड हो चुकी, मतलब बाढ़ आ चुकी कंप्लेंट्स की। अब ट्राई दोस्तों यहाँ पे एक हायर अथॉरिटी दोस्तों यहाँ बोलते हैं ना टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग करके इसके ऊपर कुछ एक्शन लेने के मूड में लग रहा है। क्या दोस्तों ट्राई इसको रोक सकेगा? क्या दोस्तों ये जो बिना काम के मैसेज और कॉलिंग आपको परेशान करते हैं क्या ये रुकेंगे? उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बना रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नो नील। तो दोस्तों मैंने कि बताया आपको, जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज जो है दोस्तों बड़े बड़े दावे तो करती है, ट्राई बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन ये दावों की सच्चाई खोखली नजर आती है। क्योंकि अगर आपने डीएनडी एक्टिवेट करा रखा है इसका मतलब दोस्तों डू नॉट डिस्टर्ब, कोई किसी तरह का मैसेज कॉलिंग वॉलिंग नहीं आना चाहिए बैंक वैंक का, सर ये ले लो, लोन ले लो, फलाना ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। उसके बावजूद दोस्तों अगर ये चीज़ होती तो कहीं ना कहीं सिस्टम में एक लूपहोल है, इसे दोस्तों जल्दी जल्दी भरना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हालत खराब हो रही, मुझे भी दिन में 50 कॉल आते रहते, मैसेज आते रहते, और मेरे जैसे हजारों लोग कंप्लेन करते कि सर यहाँ पे बिना काम के फोन आते रहते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, पहले बताऊँ दोस्तों, ट्राई के पास यहाँ पे बाढ़ आ चुकी कंप्लेंट्स की, लोग ट्राई के पास ही कंप्लेन करते हैं। अगर डीटीएच में टेलीकॉम में कुछ भी पंगा है तो आप ट्राई पे कंप्लेन कर सकते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अथॉरिटी है, माँ है पूरे के पूरे सेक्टर की। तो कुछ भी पंगा होता है इसके पास जाना चाहिए। तो देख सकते हैं ट्राई फ्लडेड विद कंप्लेंट्स ऑफ पेस्की कॉल्स एंड मैसेजेस। दोस्तों बिना काम के कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, फ्रॉड कॉल्स, इनकी दोस्तों बाढ़ आ चुकी है और इसके लिए कंप्लेन दोस्तों हजारों लाखों कंप्लेन ट्राई पे की जा रही है। ट्राई रेगुलेटर इज अवॉश विथ फ्रेश कंप्लेंट्स अबाउट मीडिया मोबाइल यूजर्स बींग बॉम्बार्डेड विथ अनसोलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन यूसीसी। दोस्तों बिना काम के कॉल्स आ रहे हैं दोस्तों, उसकी बॉम्बार्डमेंट यानी बोलते ना बमबारी हो चुकी है यहाँ पे ट्राई पे। अनवॉन्टेड टेक्स्ट मैसेजेस एंड कॉल्स ऑन अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटिंग मार्केटर्स। दोस्तों अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटर्स जो रजिस्टर भी नहीं, उनके कॉल आ रहे हैं बिना काम के नंबर दोस्तों, न जाने कैसे कैसे नंबर से आते हैं मैसेजेस दोस्तों आ रहे हैं बिना काम के अनवॉन्टेड, और कॉल तो आ ही रहे हैं। तो ये बॉम्बार्डेड हो चुकी ट्राई के ऊपर, लोगों ने कंप्लेन पे कंप्लेन कंप्लेन पे कंप्लेन कर दी। इसलिए दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, जो ट्राई है दोस्तों यहाँ पे JCOR जॉइंट कमिटी ऑफ रेगुलेटर्स, इन लोगों ने एक मीटिंग यहाँ पे दोस्तों हर्ड करी, जहाँ पे कौन कौन था मीटिंग के अंदर, यहाँ पे ट्राई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दोस्तों लोग थे, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के लोग थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कंज्यूमर अफेयर्स MOCA, ये लोगों ने दोस्तों 10 नवंबर पे यहाँ पे डिस्कस किया और देखा कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को कॉल रोक सकते हैं, कैसे कॉल मैसेज जो बिना काम करे इसको कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए दोस्तों उन्होंने किया बात की जा रही दोस्तों, ये जो होगा कंपनी से बात करेंगे, और एडिशनली दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही कि यहाँ पे कंसर्न जाहिर किया कि हमको कोई ऐसा बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे सारी चीज़ें यहाँ पे रुक सके। यहाँ पे खास करके बात की जा रही UCC डिटेक्टेड सिस्टम जो यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे जो खास करके अनवांटेड कॉल्स को रोक सके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UCC डिटेक्टेड सिस्टम होना चाहिए जो इस तरह की अनवांटेड कॉल्स को रोक सके, डिजिटल कंसेंट एक्विजिशन होना चाहिए, इंटेलिजेंस स्क्रबिंग ऑफ हेडर्स एंड मैसेज टेम्पलेट्स होना चाहिए यूजिंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज को यूज़ करना चाहिए, मशीन लर्निंग को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे दी जा रही कि कैसे इन सारी चीज़ों का यूज़ करके, मशीन लर्निंग AI वगैरह का यूज़ करके इन सारी चीज़ों को रोका जा सके। क्योंकि फिलहाल दोस्तों सारी चीज़ें धरातल पे है तो सही, लेकिन किसी काम की नहीं है। DND एक्टिवेट होने के बाद भी आपको बिना काम की कॉल्स मैसेज और फ्रॉड आते रहते, इससे फ्रॉड्स भी होते बता दूँ आपको मैं तो। ये सारी चीज़ें दोस्तों देखी जा रही है, जो लीडर्स है दोस्तों यहाँ पे, जो बड़ी बड़ी टॉप मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। JCOR की दोस्तों मीटिंग यहाँ पे हुई है, जहाँ पे RBI ट्राई सेबी और MOCA सरकार की दोस्तों एजेंसीज यहाँ पे बैठी और उसके बारे में दोस्तों डिस्कस किया। फिलहाल आने टाइम में दोस्तों डिटेक्ट किया जाएगा, कंपनीज को बोला जाएगा किस तरह से करना है फिलहाल। लेकिन सो बात की एक बात है कि ऐसी कोई चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जितना भी सरकार कुछ भी कर ले, ट्राई कुछ भी कर ले, उसके बावजूद दोस्तों ये जो फ्रॉडस्टर है, दो बिना काम के पैस की कॉल्स करते हैं, मैसेज भेजते हैं, वो कुछ ना कुछ नया रास्ता निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग में जब DND आया था ऐसा लग रहा था कि कॉल्स वगैरह नहीं आते, सब कुछ बंद हो गया, लेकिन अब दोस्तों फिर से बाढ़ आने लगी, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, ना जाने क्या क्या दोस्तों बिना काम के कॉल्स आते हैं, दिमाग
खराब कर देते हैं लोग। आप किस मूड में बैठे, उस मूड में सडनली फोन आता, आपको लगा किसी इमरजेंसी में किसी दोस्त का किसी का फोन होगा, लेकिन पता चलता है सर मैं यहाँ इस बैंक से बोल रही हूँ, यहाँ पे आपके लिए क्रेडिट कार्ड है फलाना ढीकना, लोन ले लो, ये ले लो, पर्सनल लोन आपके नाम पे अप्रूव कर दी गई, ना जाने क्या क्या दिमाग खराब कर दिया जाता है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, आपको लगता है क्या सरकार क्या ट्राई दोस्तों इस चीज़ को रोक पाएगी, क्या टेलीकॉम कंपनी इसको रोक पाएगी, ये चीज़ें धड़ल्ले से चलती रहेगी? और मुझे बताइए क्या आपके साथ ऐसा होता है, क्या आपने DND एक्टिवेट कराने के बावजूद आपको कॉल्स और मैसेज की बाढ़ आ रही है आपके पास? नीचे कमेंट करके बताना। ये वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जरूर देना, आपके भाई का चैनल, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, फिर चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2,00,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं, तो जल्दी से दबा दीजिए। इसके पास दिखिएगा घंटी का बटन, उसको भी जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज़ इस घंटी के बटन को जोर दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो कर ही देना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। आपको वॉच है, केयर ऑलवेज, कीप स्माइलिंग।